नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आप देख रहे हैं क्षेत्र से जुड़ी तीन बड़ी खबरें। विधायक रीटा चौधरी ने आज मसीसर में प्रस्तावित वेटनरी कॉलेज का भूमि निरीक्षण किया, जहां पर प्रस्तावित वेटनरी कॉलेज बनना है। यहां पर हमारे बीच के अंदर बीकानेर वेटनरी यूनिवर्सिटी के VC साहब आए हुए हैं। जैसा सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में घोषणा करी थी मलसीसर में वेटनरी कॉलेज की, तो उसके बजट भी अलॉटमेंट हो गया। बस ये जगह जो अलॉट हुई है उसको देखने आए कि किस तरीके की ये ज़मीन है, क्योंकि जैसे अमूमन हम लोग मान के चलते हैं कि कॉलेज आर्ट्स कॉलेज जैसी कोई कॉलेज बन रही होगी, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर भी डेवलप होएगा, इसके अंदर पोल्ट्री फार्म भी डेवलप होएगा, फार्म्स बनेंगे इसके अंदर, और उसके अलावा डेयरी भी बनेगी इसके अंदर, रेजिडेंशियल एरिया भी बनेगा। तो बहुत बड़ी ये स्कीम है, और आने वाले दिनों के अंदर जब ये बन के तैयार हो जाएगी और इसकी मंजूरी जब आ जाएगी इसकी क्लासेस की, तो आप देखना कि आसपास के इलाकों को, और मैं तो समझती हूँ कि हमारे ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं उनको बहुत सहूलियत यहाँ पर मिल जाएगी। और क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पशुधन ज़्यादा है, तो उसको भी एक तरीके से बहुत मदद, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स भी होंगे, हॉस्पिटल भी बनेगा इसी के अंदर, तो उनको भी एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूँ, और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर इनके रिक्वायरमेंट के अनुसार ज़मीन पूरी अलॉट होए, और जो भी ये यहाँ पर हम लोगों से मांगेंगे मदद, निश्चित तौर पर इनको प्राप्त होगी। देखिए, ऐसा है कि आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ की जो माननीय विधायिका हैं उनके द्वारा एक राज्य सरकार से वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा करवाई गई है, और घोषणा के अनुसार इस वर्ष जो है राज्य सरकार के द्वारा बजट भी आवंटित कर दिया गया है। तो ये जो भूमि चिन्हित की गई है महाविद्यालय बनाने के लिए, उसका आज हम निरीक्षण करने के लिए आए हैं, ताकि हम यहाँ आकर के देखें कि वो ज़मीन कॉलेज के लिए उचित है कि नहीं है। और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के जिस प्रकार से माननीय विधायिका हैं वो सहयोग कर रही हैं। मैंने अनुरोध किया है कि थोड़ी सी ज़मीन और अगर अधिक मिल जाती है तो यहाँ पर एक हम अच्छा महाविद्यालय स्थापित कर पाएंगे, और माननीय विधायिका महोदया द्वारा हमें आश्वासन दिया है कि वे यहाँ पर हर प्रकार से इस महाविद्यालय के बनाने में सहयोग करेंगे। तो ये उचित जगह आपके अनुसार? हाँ, इसमें कनेक्टिविटी अच्छी है और ज़मीन अच्छी है, बाकी तो जब कोई चीज़ बनेगी तभी पता लगता है, लेकिन जो एक मूलभूत आवश्यकता होती है कि वहाँ पे अच्छा रोड होना चाहिए, वहाँ पे पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे डैम है तो मुझे विश्वास है कि पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। और भूमि ज़रूर थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, लेकिन उसको तो राज्य सरकार के द्वारा जो धन उपलब्ध कराया जाएगा उससे समतल करवा करके, और हमारा प्रयास रहेगा कि एक अच्छे महाविद्यालय की यहाँ स्थापना की जाए। झुंझुनू आबकारी विभाग ने मलसीसर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन जगह छापे मारे, जहां अवैध शराब बरामद हुई। मलसीसर के ख्याली, मोगा व महनसर गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर से भी अधिक अवैध शराब को नष्ट करवाया है। वहीं कार्रवाई के दौरान तीन अवैध शराब के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनज़र डाकघरों में महिलाओं की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां बहनें अपने दूर बैठे भाइयों को राखी भेज रही हैं। डाक अधीक्षक ने बताया कि ज़्यादातर राखियां फौजी भाइयों को सीमाओं पर व प्रदेश में बैठे भाइयों को भेजी जा रही है।